बात है जो मैं कह रहा हूं कि लोग कई बार जानते बूझते हुए भी सावधानी नहीं बरतते हैं, लेकिन हां, नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। अगर व्यक्ति संयम से रहे और निर्देशों का पालन करे तो वो उसके इस वायरस की चपेट में आने की संभावना कम हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखिए कि कोरोना से संक्रमित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना से संक्रमित दुनिया में 1 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। कल तो एक खबर में देख रहा था कि इटली में 90 वर्ष में से भी ज्यादा आयु की माताजी भी स्वस्थ हुई है। वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। अगर आपके पास व्हाट्सएप की सुविधा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूं, लिख लीजिए, यह नंबर हर एक को काम आएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर है तो इसका उपयोग कीजिए। नंबर मैं लिखवाता हूं, 90131, फिर से बोल रहा हूं, 90131515155। यस, 51515 पर आप व्हाट्सएप करके इस सेवा से जुड़ सकते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंत आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा। तो आप जरूर, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे काशी के भाई बहन और हिंदुस्तान के और लोग भी अगर सुनते हैं, तो जरूर इस व्हाट्सएप पर आप नमस्ते लिखेंगे अंग्रेजी में या हिंदी में, तो आपको तुरंत वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आइए, कृष्णकांत जी का मैं धन्यवाद करते हुए आगे चलता हूं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम मोहिनी छावर है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ आशंकाएं कई पैदा हो रही हैं। जैसे मीडिया से पता चला हमें कि देश के कुछ जगहों में डॉक्टर्स, अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी, एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कोरोना के शक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये सब बातें पता चलने पे बहुत पीड़ा का एहसास होता है और मन में बहुत ठेस पहुंचती है। बस ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। मोहिनी जी, आपकी पीड़ा सही है, मेरी भी यही पीड़ा है। कल मैंने नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लैब टेक्नीशियंस के साथ इन विषयों पर विस्तार से बात की है। इस देश के सामान्य मानवी का मन, अगर हम आम तौर पर देखें, मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूं, तो सही समय पर सही काम करने और जरूरी कदम उठाने में हमारे देश के लोग बहुत विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए कैसे देशभर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए, साथ ही
अलग अलग जगहों से एक साथ एक मन होकर कोरोना के खिलाफ हमारी जो नर्सेज लड़ रही हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उन सबके प्रति धन्यवाद का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। ये पूरे देश ने किया है, यह सम्मान का एक प्रकट रूप था। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा और भी कुछ हुआ है। इसके अंतर्निहित एक अप्रकट बात भी थी, और आप तो मोहिनी जी समाज सेवा में लुकी हुई है तो इस बात को भली भांति समझ सकती है। समाज के मन में इन सबके लिए आदर सम्मान का भाव होता ही है। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। जिन लोगों ने वुहान में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, मैंने उनको पत्र लिखा था। मेरे लिए वो पल बहुत भावुक था। वो सिर्फ लिखने के लिए लिखा गया पत्र नहीं था। अभी इटली से लोगों को लाने वाले एयर इंडिया के क्रू, जिनमें सभी महिलाएं थी, मैंने उनकी तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर साझा किया था, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। हां, कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि कहीं दिखाई दे रही है, इस सेवा में रत, इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मेडिकल के लोग हैं, सफाई के लोग हैं, अगर उनके साथ बुरा बर्ताव होता है तो आप भी अगर वहां उस इलाके के लोगों को जानते हैं, उनको चेतावनी दीजिए, उनको समझाइए ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था, मुझे पता चला घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी लेकिन मेरे लिए गंभीर है, और इसलिए मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सख्त कदम उठाएगी। संकट की इस घड़ी में मैं देशवासियों से ध्यान दौड़ना चाहूं, क्या आकर्षित करना चाहूंगा, संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में ये संस्कार दिनों दिन प्रबल होता रहे, ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि बीते कुछ वर्षों में एक परंपरा हमारे सामने आती है, देखने को मिलती है, एयरपोर्ट पर जब फौज के जवान जाते हैं तो उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं। यह आभार प्रकट करने का तरीका हमारे संस्कारों में दिनों दिन बढ़ता ही जाना चाहिए। मोहिनी जी, आप तो बहुत सेवा के कार्य में लगी हुई हैं, इन दिनों जरूर कुछ न कुछ आप भी करती होगी, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। आइए, काशी के कोई और महानुभाव से भी मौका मिलेगा मुझे बात करने का। हां बताइए। प्रणाम, मैं अखिलेश खेमका, मैं कपड़े का कारोबारी हूं और मैं
अपने व्यापार के साथ साथ कुछ समाज सेवा का भी जरूरतमंदों की सेवा करता रहता हूं। मेरा ये मन में क्वेश्चन था कि आज के दिन जो लॉकडाउन हो गया है, इस वजह से बहुत से हमारे साथी लोग अपनी जगह पे अटक गए हैं, तथा जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, जो प्रतिदिन मेहनत करके कमाते हैं, मजदूर डेली बेसिस के स्टाफ, ये लोग के सामने एक मुश्किल आई हुई है। और अगर हमारे बनारस सहित हमारे वाराणसी सहित पूरे देश के जो इस गरीब वर्ग के लोग हैं, इन लोग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हम लोग को मार्गदर्शन दें, हम लोग राष्ट्र के युवा और हम लोग जो समाज के लोग हैं, किस रूप में हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। काशी में बात होती हो और कपड़े वाले से बात न हो तो बात अधूरी रह जाती है। और अखिलेश जी, मुझे खुशी है कि आप व्यापारी हैं, लेकिन आपने सवाल गरीबों का पूछा, मैं बहुत आभारी हूं आपका। कोरोना को पराजित करने के लिए एक रणनीति के तहत एक्सपर्ट से मिले दिशा निर्देशों के मुताबिक ही ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति दूसरे से कम एक डेढ़ मीटर की दूरी पर रहे। ये कोरोना के खिलाफ इस बड़ी लड़ाई की सैन्य नीति है, मैं इसको सैन्य नीति कहता हूं। साथियों, हम इस बात पर विश्वास करने वाले लोग हैं जो मानते हैं कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है, व्यक्ति मात्र में ईश्वर का वास है। यही हमारे संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है। कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और न ही हमारे संस्कार मिटा सकता है। और इसलिए संकट के समय हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती है। कोरोना के जवाब देने का दूसरा एक ताकतवर तरीका है, और वो तरीका है करुणा। कोरोना का जवाब करुणा से। हम गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाकर भी कोरोना को पराजित करने का एक कदम ये भी कर ले सकते हैं। हमारे समाज में, हमारी परंपरा में दूसरों की मदद के एक समृद्ध परिपाटी रही है। हमारे यहां तो कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अभी नवरात्र शुरू हुआ है, अगर हम अगले 21 दिन तक, और मैं मेरे काशी के भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा कि जिनके पास ये करने की शक्ति है, देश में भी जिसके पास ये शक्ति है, मैं उनको यही कहूंगा, ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें। अखिलेश जी, अगर मैं कहूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, तो मैं मानता हूं कि मैं खुद को भी धोखा देने वाली बात कर रहा हूं। इस समय
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके, इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। मुझे राज्य सरकारों पर पूरा भरोसा है कि वो अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक की चिंताओं को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी देखभाल करेगी। लेकिन साथियों, हम ये भी जानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में, यानी कोई तकलीफ नहीं है, कोई आपदा नहीं है, मुसीबत नहीं है, सामान्य परिस्थिति में भी कभी बिजली चली जाती है, कभी पानी आना बंद हो जाता है, कभी भी उनमें मदद के लिए आने वाले हमारे जो कर्मचारी है वो अचानक लंबी छुट्टी ले लेते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे जीवन में आती रहती हैं। ये हम सब हिंदुस्तानियों का अनुभव है। ऐसे में, और वो तो मैं संकट के समय नहीं कहता हूं, सामान्य स्थिति में भी आती है। ऐसे में जब देश के सामने इतना बड़ा संकट हो, पूरे विश्व के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो, तब मुश्किलें नहीं आएगी, सब कुछ अच्छे से होगा, ये कहना अपने साथ धोखा करने जैसा होगा। मैं मानता हूं कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था ठीक है या नहीं, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जरा पल भर सोचिए, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोरोना जैसे संकट में हमें तकलीफें सहकर भी विजयी होना है या नहीं होना है। जो तकलीफें आज हम उठा रहे हैं, जो मुश्किल आज हो रही है, उसकी उम्र फिलहाल 21 दिन ही है। लेकिन अगर कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ, इसका फैलना नहीं रुका, तो फिर ये संकट, ये तकलीफें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कठिन समय में प्रशासन के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सब कोई जो भी कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। आप सोचिए, अस्पतालों में लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। कई जगह अस्पतालों में हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को 2 या 3 घंटे से ज्यादा सोने को नहीं मिल रहा है। कितने ही सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो गरीबों की मदद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस कठिन परिस्थिति में ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए। हां, हो सकता है कुछ जगहों पर कमियां हो, किसी ने लापरवाही की हो, लेकिन ऐसी घटनाओं को खोज खोज करके, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करके, उन्हीं को आधार बनाकर, उसी को प्रचारित करना, उस सेक्टर को बदनाम करना, उनको हताश कर देना, ये ऐसे समय में कभी लाभ नहीं करता है। मैं तो आग्रह करूंगा, हम समझे, निराशा फैलाने के लिए हजारों कारण हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं सब गलत होते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जीवन तो आशा और विश्वास से ही चलता है। नागरिक के नाते कानून और प्रशासन को जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे निकलेंगे। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन पर कम से कम दबाव डाले, प्रशासन का सहयोग करें।
ये अस्पताल में काम करने वाले, ये पुलिसकर्मी, ये सरकारी दफ्तरों में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, ये कोई बाहर के लोग हैं क्या? बाहर से आए हैं क्या? ये हमारे ही लोग हैं जी। इतना बड़ा बोझ उन पर आया है तो बोझ कुछ थोड़ा हम भी उठाएं। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए जो इस कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, व्यापार जगत में रहते हुए गरीबों की चिंता करने का आपकी भावना, और देश ऐसे अखिलेशों से भरा हुआ है जी, देश में अखिलेशों की कमी नहीं है। आइए हम मिलकर के गरीबों का भी भला करें, जिम्मा उठाएं और इस लड़ाई को जीतें। आइए, और भी कोई सवाल होंगे शायद? अखिलेश जी नमस्ते। हाँ प्रणाम। नमस्ते जी, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। मैं डॉक्टर गोपाल नाथ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं कोरोना के डायग्नोसिस के लैब का इंचार्ज भी हूँ, जो 16 जिलों का की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, और साथ में ही माँ गंगा के जल से बैक्टेरियोफेजेस निकाल के जो जिस प्रॉब्लम पे मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ उसका वैकल्पिक व्यवस्था पे रिसर्च कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ आमतौर पे ये लोगों की आदत है कि वो खुद से डॉक्टरी करने लगते हैं। उन्होंने कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, खुद से इलाज करने लग जाते हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ हमें ले जाती है। ये मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते कह सकता हूँ। कोरोना की इस बीमारी में ये स्थिति और भयावह हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि न तो अभी वैक्सीन डेवलप हो पाया है, न ही कोई स्पेसिफिक दवा डेवलप हो पाई है, फिर भी तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। क्या हम समाज को इस दिशा में और जागरूक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें? प्रोफेसर साहब, आप तो स्वयं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और इसलिए आप सच क्या है, झूठ क्या है बहुत भलीभांति परख सकते हैं। इन विषयों में हमसे ज्यादा ज्ञान आपके पास है, और उसके बाद भी आपको चिंता होना बहुत जायज है। हमारे यहां डॉक्टरों को पूछे बिना ही सर्दी जुकाम बुखार की दवाएं लेने की आदत है। रेल के डिब्बे में अगर हम ट्रैवल करते हो और अगर एक बच्चा रोने लग जाए और लंबे समय तक रोता रहे, बंद न करे, तो रेल के सभी डिब्बों से लोग आकर के सलाह देंगे, ये दे दो, वो खिला दो, वो पिला दो। ये हमने रेल के डिब्बों में देखा होगा। मुझे लगता है कि हमने इन आदतों से बचना है। कोरोना के संक्रमण का इलाज अपने स्तर पर बिल्कुल नहीं करना है, घर में रहना है, और जो करना है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की सलाह से ही करना है। टेलीफोन पर अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनको पूछिए, अपनी तकलीफ बताइए, क्योंकि करीब करीब सभी परिवारों में किसी न किसी डॉक्टर का परिचय होता है। हमें यह ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना के खिलाफ कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी है। इस पर हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करने वाले लोग हैं, वो तेजी से काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा देशवासियों, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दवाई का सुझाव दे, कृपा करके अपने डॉक्टर से पहले बात कीजिए। सिर्फ डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद ही आप दवाइयां लें। आपने खबरों में भी देखा होगा कि दुनिया के कुछ देशों में अपनी मर्जी से दवाएं लेने के कारण कैसे जीवन संकट में पड़ गए हैं। हम सभी को
हर तरह के अंधविश्वास से, अफवाहों से बचना है। डॉक्टर गोपाल जी, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आप तो विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और गंगा की ही चिंता कर रहे हैं और ये जो समाज जीवन में चल रहा है इसकी आपको काफी चिंता हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमें लोगों को समझाना होगा। आइए, गोपाल जी का धन्यवाद करते हुए अगला एक सवाल कौन है जी? नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अंकिता खत्री है और मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों में भी सक्रिय हूँ। इस समय आपकी प्रेरणा से सोशल मीडिया पर कुछ क्रिएटिव करो ना के हैशटैग के साथ एक अभियान का आरंभ किया है मैंने, जिसमें काशी के विभिन्न रचनाकारों कलाकारों को आह्वान कर रही हूँ। अच्छा, आपने भी मेरी तरह पोस्टर दिखा दिया। सब आपकी प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपकी ही प्रेरणा से इस अभियान का आरंभ किया है। और इसमें काशी, चूंकि हमेशा से रचनात्मकता, आप स्वयं इतने रचनात्मक हैं, सकारात्मक हैं, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति में भी मैंने कहीं सुना था कि जो रचता है वो ही बचता है, तो काशी के समस्त रचनाकारों को क्या, क्या, क्या बड़ा अच्छा वाक्य बोले आप, क्या बोला आपने? जो रचता है वो बचता है। तो ये मैंने कहीं सुना था, तो आपकी प्रेरणा से इस अभियान का आरंभ किया है। इसके अंतर्गत काशी के विभिन्न रचनाकारों को, लेखकों को, कवियों को, चित्रकारों को आमंत्रित कर रही हूँ और प्रयास रहेगा कि ये जो 21 दिवस का जो काल है उसमें उसका संकलन हो, उसका प्रकाशन हो और आपको हम सब काशी की ओर से समर्पित कर सके। किंतु एक गृहिणी के रूप में मेरी एक सवाल है और एक चिंता है जिसे आपसे साझा करना चाहती हूँ। लॉकडाउन की इस अवधि में सारे बच्चे घर पर हैं और बच्चों को संभालना एक बड़ा दुरूह कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है हम सबके लिए। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके एग्जाम प्रभावित हुए हैं। मेरा खुद का बेटा 12वीं का बोर्ड्स दे रहा था और एक पेपर उसका स्थगित हो गया है, तो घर वालों को थोड़ी सी चिंता बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी, ऐसे में क्या किया जाए? अंकिता जी, पहली बात तो आप रचनात्मक काम, क्रिएटिव एक्टिविटी, इसको बल दे रही हैं और इसका जीवन में एक अलग ऊर्जा उसके कारण रहती है। लेकिन आपने कहा कि सब रचनाकारों का भी इकट्ठी कर रही है, मेरी विनती है किसी को इकट्ठा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे पहली बात है। हाँ, आप ऑनलाइन सबसे अपनी कला उसका मांगिए, आप संकलन कीजिए और कल्पना अच्छी है, जो इस भाव के लोग हैं उनकी रचनाएं, उनकी चीजें जरूर देश को काम आएगी। और ये सही है कि आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेषता है। इन दिनों सोशल मीडिया में आप लॉकडाउन का एक और प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। ये सही है कि पहले संयुक्त परिवार होता था तो बच्चों को संभालने का काम दादा दादी कर लेते थे, आज जरा छोटे परिवार हो गए तो मुश्किल स्वाभाविक है। लेकिन आपने देखा होगा टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो पर इसे लेकर कई नए नए शो बन रहे हैं। हमारे देश के मीडिया में भी क्रिएटिविटी है, उन्होंने लोगों को एंगेज रखने के लिए, लोगों को घरों में है तो क्या करना चाहिए, बड़ा अच्छे ढंग से इतने कम समय में उन्होंने किया है। और एक लॉकडाउन में नई नई बातें वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस सबके बीच मेरे मन को कुछ और बातों ने भी बहुत प्रभावित किया है। मैं देख रहा हूं कि मानव जाति कैसे इस वैश्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है और इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना। मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें चार चार पांच पांच साल के बच्चे
माता पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बालक समझा रहे हैं। छोटे छोटे बालक बालिकाएं इस संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। मैं ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर मैं काफी बिजी एंगेज रहता हूं, कभी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सामान्य जन से जुड़ता हूं, तो इन दिनों मैंने देखा कई परिवारों ने अपनी इस प्रकार की चीजें अपने बच्चों की सोशल मीडिया पर रखी है और घर में बच्चों की वीडियो बना बना करके वो, और अब तो मोबाइल फोन पर बन जाती है। मैंने जो देखी है, मैं कोशिश करूंगा और अगर डिलीट ना हो गई हो तो मैं इसको इकट्ठा करके जरूर आज शेयर करूंगा। आपने अच्छा आइडिया दिया है, एक दो दिन में जरूर मैं कर दूंगा, अगर आज मौका मिला तो आज कर लूंगा। और आप सब देखिए, जरूर देखिए, ये बहुत बड़ी, बच्चों ने कैसी कमाल कर दी है पता चलेगा। आपको याद होगा जब मैंने स्वच्छता की बात की थी, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, तो आपने हर घर में देखा होगा बच्चों ने एक तरह से इस अभियान की कमाल संभाल ली थी। आज के बच्चों की, आज की युवा पीढ़ी की ये शक्ति मुझे तो बहुत प्रभावित करती है। मैं उनकी टैलेंट, उनका सोचने का तरीका, मुझे बड़ा आनंद आता है। हां, कुछ माता पिता को ये चिंता सता रही होगी कि इतने लंबे समय तक घर में रहने पर कहीं बच्चे ही उन्हें बिठाकर पढ़ाई करवाना शुरू न कर दे, उनको यही डर लग रहा है। वैसे और मुझे पक्का विश्वास है ये बच्चे अपने माँ बाप को कुछ कुछ पढ़ा के रहेंगे, 21 दिन में बहुत कुछ सिखा देंगे। वैसे साथियों, मैं नमो ऐप पर आप सबके सुझाव और फीडबैक भी निरंतर पढ़ रहा हूं। श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, मुकेश दास जी, प्रभांशु जी, अमित पांडे जी, कविता जी, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से ये सुझाव दिए हैं कि लॉकडाउन को सख्ती के साथ और लंबे समय के लिए लागू किया जाए। केवल आप ही नहीं, पूरे देश से आप ही की तरह हजारों प्रबुद्ध नागरिकों ने भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस महामारी से निपटने के लिए यही सलाह दी है, अपील की है। जब हमारे देशवासियों में खुद से ही ये संकल्प, ये समझदारी हो, इस चुनौती से जूझने की ये दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश इस महामारी को जरूर जरूर हराएगा। अंत में फिर आपसे कहूंगा कि आप सब मेरे काशीवासी, मैं थोड़ा नहीं आ पाया हूं आपके बीच में, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप खुद को सुरक्षित रखें, देश को भी सुरक्षित रखें। एक बड़ी लड़ाई है जिसमें बनारस के लोगों को भी अपना पूरा योगदान देना है, पूरे देश को मार्ग दिखाना है। सभी काशीवासियों को आज फिर एक बार दिल्ली से मैं प्रणाम करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपने हमेशा काशी को संभाला है, आगे भी आप काशी को संभालेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।